अल्लाहम एवरी वन वेलकम टू तो माई चैनल कैसे हैं जी आप सब उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से तो यहाँ पे था जी सुबह आठ बजे का टाइम और देखिए सुबह उठते ही पहला काम जो है वो मशीन चलाई है मशीन में कपड़े डाले थे मैंने बस दिन का आगाज़ होते ही हमारे कामों का भी आगाज़ हो जाता है और रात होने तक जो है ये सिलसिला जारी ही रहता है तो सबसे पहले जो है वो कुछ कपड़े धोने थे तो मैं यहाँ पे मशीन में कपड़े डालने के बाद जो है बच्चों को उठाना था आठ था जी बच्चों का रिज़ल्ट और जो है एनअल रिज़ल्ट था उनका तो बड़े एक्साइटेड थे रात को भी उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी जी कि सुबह हमारा रिज़ल्ट है ये दिन जी सारे बच्चों के लिए ही बड़ी खुशी का दिन होता है पूरे साल की मेहनत होती है तमाम बच्चों की तो बस यहाँ पे जो है ये देखने सुबह आठ बजे का टाइम था और बड़े मज़े की धूप आती है मेरे पोर्च में पर ये धूप जो है ना सिर्फ सर्दियों में ही अच्छी लगती है गर्मियों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और अब मैं जो है वो बच्चे को उठाने जा रही थी रूम की लाइट भी मैंने ऑन कर दी थी कि अब बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी जाग जाएं तो ये जी मिस्टर शमान जो है वो सोए हुए थे सबसे पहले इसी को बस उठाना पड़ता है बेटियां जो है वो तो मेरी खुद ही जाग जाती हैं लाइट बस ऑन होने की देर होती है और वो उठ के बैठ जाती हैं तो बच्चों को उठाने के बाद ना यहाँ पे मैं उनके कपड़े रेडी कर रही थी और जो है वो और अर्शमानसमाविया जो है वो फ्रेश होने से लेके थे स्म का कपड़े जो है वो मैंने पहले ही प्रेस कर लिए थे और अब जो है ये आयुष्मान के लिए कर रही थी मैं और इसके बाद जो है फिर जल्दी से बच्चों का नाश्ता रेडी किया था वैसे तो इनके रिजल्ट टाइम में जो है वो नौ बजे से स्टार्ट होनी थी नौ बजे से लेकर बारह बजे तक थी और बच्चों के इसीलिए जो है मैंने आठ बजे ही उठाया था फिर नाश्ता करने में तैयार होने में काफ़ी टाइम सर्व होता है बच्चों का तो इसलिए जो है मैंने जल्दी उठाया था और तकरीबन साढ़े नौ तक ना हम लोग घर से निकल गए थे इनका रिज़ल्ट लेने के लिए आ, मैं ही गई थी सिर्फ मेरे हस्बैंड तो इस टाइम जो है वो शॉप पे होते हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं होता और मेरे साथ जो है मेरे भांजे और भांजी गए थे मेरी जो भांजी है वो भी जो है वो इसी स्कूल में पढ़ती है इस माविया के साथ तो इसलिए जो है उसका भी आज रिज़ल्ट था अर्शमान और, और स्माविया ने एक ही स्कूल में हैं लेकिन इनके कैंपस जो है अलग हैं और स्माविया जो है वो गर्ल्स कैंपस में होती है और अर्शमान जो है वो बॉयज़ कैंपस में है और थोड़ा सा ना फासला भी है ना इन में ना यानी कि अर्शमान का जो स्कूल है ना वो इस्माविया के स्कूल से जो है वो टेन मिनट्स की वॉक पे है ना तो इसलिए मुझे ये भी था कि पहले एक का रिज़ल्ट लेने जाना पड़ेगा और फिर दूसरे के लिए जाना पड़ेगा तो कपड़े प्रेस करने के बाद मैं अब इनके लिए बना रही थी नाश्ता भूख तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं लग रही थी इतनी एक्साइटमेंट थी बच्चों को कि आज हमारा रिजल्ट है तो पहले तो कहते हैं हम कुछ भी नहीं खाते ना तो फिर मैंने जब कहा मैंने कहा नहीं ना भूखे नहीं जाना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ले लो ना तो फिर आयुष्मान ने कहा मुझे चाय बना दें और साथ ब्रेड फ्राई कर दें और उस ने कहा मुझे अंडा फ्राई कर दें और साथ उसके साथ ब्रेड दे दें तो बस ये सिंपल सा नाश्ता जो है मैं इनके लिए बना रही थी खुद तो जो है मैंने सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया था तो यहाँ पे बस जो है वो बच्चों का नाश्ता भी रेडी हो गया था इसके बाद जल्दी जल्दी इनको नाश्ता कराया था और ख़ुद भी रेडी हो के हम लोग ना घर से निकल गए थे अंडे बनाने के बाद ब्रेड फ्राई की थी और फिर इनको नाश्ता सर्व किया था इतना टाइम में नाश्ता बनाने में नहीं लगता है जितना बच्चों को नाश्ता खिलाने में लग जाता है और कभी कभी तो खुद ही खा लेते हैं और कभी कभी इतना तंग करते हैं कि खुद ने वाले बना बना के इनके मुँह में डालने पड़ते हैं के देखिए जी मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और अब जो है हम घर से निकल गए हैं और सीधा हम पहुँच जाएंगे जी स्कूल के अंदर <laughs> आ, ये देखिए जी यहाँ पे ना समाविया का भी रिज़ल्ट मैं ले चुकी थी और ये मुंतहा है मेरी भांजी इसका भी रिज़ल्ट जो है वो मैंने ही लिया था क्योंकि मेरी सिस्टर नहीं जा सकी थी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी बीमार थी वो तो वो कहती थी तुम्हें इसका भी ले लेना ले ना तो इसका भी मैंने ले लिया था और इन दोनों ने ना फाइल अपनी उल्टी पकड़ के तो ये तस्वीरें बनवा रही ही, तो फिर ये मेरा भांजा है अरहम तो इसने कहा कि ये तुम लोग कम अज़ कम फाइल तो कम अज़ सीधी पकड़ो और फिर पिक्चर्स बनवाओ तो मैं भी यहाँ पे इनकी पिक्चर्स भी बनवा रही थी और यह है जिनका स्कूल ये रेडवुड इंटरनेशनल स्कूल है जहाँ पे मैं रहती हूँ मेरी कॉलोनी है जो ये वहीं पे है ज़्यादा दूर नहीं है ये कॉलोनी में बिल्कुल पास ही है हमारे घर के मैंने को बताया ना सिर्फ टेन मिनट्स की वॉक पे मेरे घर से ना टेन टू तो फिफ्टीन मिनट्स की वॉक पर ही है ये स्कूल तो अभी जो है सबसे पहले मैं गर्ल्स कैंपस में ही आई थी इन दोनों का रिजल्ट लेने और अब जो है ये हम जा रहे हैं और फिर मैं अब जाऊंगी अरशमान का रिजल्ट लेने अब और पे जो है नीचे वाले पोर्शन में मैं आ गई थी इस उन्धा की क्लास ना ऊपर वाले पोर्शन में थी नीचे आई तो उस माविया की टीचर कहती है इस माविया यहाँ पे करके पिक्चर्स बनवा लें तो इसकी टीचर ना यहाँ पे ना इसकी पिक्चर बना रही थी इस माविया ने माशाला से ना पूरी क्लास में ना सबसे अच्छे मार्क्स लिए थे इसके फुल मार्क्स आए थे एक्चुअली ना इस माविया को अभी जो है ना मैंने प्ले ग्रुप में ही दाखिल करवाया था ये इसके जो है हालाँकि ये एज इसके पाँच साल है लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने इसको दाखिल करवाया था ना तब करोना था तो उसकी वजह से ना इन्होंने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस रखी थी तो फिर मैंने इसे स्कूल नहीं भेजा था तो फिर मैं ख़ुद घर में इस पर थोड़ी सी मेहनत करती रही और ट्यूशन भी साथ साथ जाती थी तो लेकिन इतनी अच्छी ना इसकी बेस नहीं बन रही थी तो फिर जो है जब इस साल मैंने इसको करवाया था स्कूल में दाखिल तो मुझे सब ने कहा कि नहीं अब ये बड़ी होगी है तुम इसे नर्सरी में करवाओ ना तो पर मैं नहीं मानी मैंने कहा नहीं कुछ भी हो जाए मैंने अपनी बेटी की ना बेस बनानी है अच्छी तो इसलिए ना मैंने इसको भी प्ले ग्रुप में ही दाहल करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये इतना अच्छा अब चल गई है इसने फुल मार्क्स लिए थे बिल्कुल वन फिफ्टी में से वन फिफ्टी इसके मार्क्स आए थे ना तो यहाँ पे जी अब आर्षमान का ये स्कूल है और अरशमान का भी मैंने रिज़ल्ट ले लिया था अरशमान का भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट था अरशमान के मार्क्स थे टू फिफ़्टी में से टू फोर्टी सेवन और ये अरशमान की मैम भी उसकी पिक्स बना रही थी तो बस ये रिज़ल्ट लेके हम घर आ गए थे और अब मैं आपको इन दोनों का रिज़ल्ट दिखाती हूँ ये सबसे पहले इस माविया की फ़ाइल मैंने ओपन की है और ये आप देख लें माशाल्लाह से इसने बिल्कुल फुल मार्क्स लिए हैं और मुझे इतनी ख़ुशी थी इसकी जितनी मुझे इसकी टेंशन थी ना कि पता नहीं ये क्या करेगी इसको कुछ आता भी होगा कि नहीं तो उतना ही ना इसने मुझे खुश कर दिया था और ये अब अर्शमान की फ़ाइल है और ये अब अर्शमान का रिज़ल्ट कार्ड चेक करते हैं और ये देखिए जी माशाल्लाह से आर्शमान के थे टू तो फिफ्टी में से टू तो फोर्टी सेवन मार्क्स और इसके नाइनटी नाइन परसेंटेज थी दोनों का रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह बस टेंशन फ्री हो गई थी मैं अब और अब जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कुछ गिफ्ट्स आए थे जी हमारे दुबई से ये जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे और वो और उनकी मिसेस जो है वो दुबई से आई थी तो ये हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे तो मैंने सोचा मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूं ये परफ्यूम था जो कि मेरे हस्बैंड के लिए आया था और इसके अलावा जो है वो मेरे लिए आया था एक ये हैंड बैग मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये हैंड बैग अभी ना तकरीबन तीन दिन पहले ही मैं मार्केट गई थी तो अपने लिए ना दो हैंड बैग लेके आई थी नहीं तो जब इन्होंने गिफ्ट दिया तो मुझे बड़ा वो मैं कह पहले देते दे कि दे दे, मेरे पैसे बच जाते मैं अपने लिए हैंड बैग ना लेके आती ना क्योंकि पहले भी मेरे पास काफ़ी हैंड बैग्स थे पर वो ना पुराने हो चुके थे तो मैं चाहती थी भी एक दो नए ले लूँ तो अभी तीन चार दिन पहले ही मैं गई थी अपनी अम्मी के साथ मार्केट तो मैं वहाँ से हैंड बैग लेकर आई थी तो अब ये आ गया, गया गिफ्ट में तो चले है अल्लाह का शुक्र है और ये जो है ये आया था अबाया ये मुझे बहुत अच्छा लगा था गिफ्ट जैसे भी हो अगर आपको कोई प्यार से दे खुशी से दे और ख़लूस मोहब्बत से दे तो वो अच्छे ही होते हैं और ख़ुशी होती है कि कोई आपको इस तरह से याद रखता है तो ये देखिए जी मैं ना आपको अबाया भी जो है वो सारा पूरा खोल के दिखाती हूँ ओपन करके ये ना काफ्तान स्टाइल में था और ये देखिए जी ये इस तरह का डिज़ाइन था और बस इसके अलावा जो है मोटे बच्चों के लिए कैंडीज़ और चॉकलेट्स वगैरह थी और जो है अरशमान समाविया आयत के लिए ना वॉचेस थी तो वो तो आती नहीं थी तो मैंने है ना संभाल दी थी छुपा के रख दी थी ना क्योंकि अरशमान जो है ना उसको पता चल जाए ना कि मेरे लिए कोई घड़ी आई है या बाबा लाए हैं या किसी ने गिफ्ट किया तो वो नहीं छोड़ता उसको इतना शौक़ है ना वॉचेस का तो बस लेके भी बहुत देते हैं और ख़राब भी बहुत जल्दी कर देता है और अब जो है मैं यहाँ पे बना रही थी रसमलाई मैंने सोचा बच्चों का रिज़ल्ट आया है माशाल्लाह से इतना अच्छा तो कुछ मीठा बना लेते हैं बच्चों ने तो कहा था तो मामा केक बना लें तो फिर मैंने सोचा केक जो है वो इनके बाबा ने तो खाना नहीं है तो केक से बेहतर है कि फिर मैं रसमलाई ही बना लेती हूँ तो बस उसके लिए दूध लिया था और ये जो है ये वन एंड हाफ लीटर दूध था मैंने फ्रेश मिल्क लिया था तो इसको बस बॉईल करने के लिए रख दिया था चीनी डाली थी हाफ़ कप और जो है वो थोड़ी सी इलायचियाँ थी पिसी हुई वो डाली थी और ये था लजीज़ा रस मलाई का पैकेट और इसे मैं बनाऊँगी रस मलाई जब दूध बॉयल हो जाएगा तब मैं जो है ये ए पैकेट जो है खोल के इसको बनाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि इसको ना बनाने के बाद आपने रखना नहीं होता बस जल्दी जल्दी इनकी बॉल्स बना के ना दूध में डालनी होती है तो पहले मैंने दूध को बॉयल किया था और फिर इसको ना स्लो फ्लेम पे रख दिया था और दूध को ना हमने तकरीबन इतना पकाना है कि ये बिल्कुल हाफ़ रह जाए ना इससे बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तभी जो है वो असल रस मलाई का टेस्ट आता है तो अब आप देख लें और अब जो है ये रस मलाई का मैंने पैकेट निकाल लिया था और इसको बनाने के लिए ना मुझे सिर्फ़ एक अंडा चाहिए एक अंडा लूँगी उसको फेंटूँगी और इससे ना मैं इस अमीज़े को जो है वो गूंढ लूँगी लेकिन अब देखिएगा कि अंडा भी जो है ना वो पूरा मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी सिर्फ आधा जो है वो फेंटा हुआ अंडा मैं इसमें शामिल करूँगी और उसी से ना इस पूरे अमेज़े को मैं रेडी करूँगी अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमसे रसमलाई नहीं बनती टूट जाती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है बस कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हो जाती हैं हमसे भी होती हैं है, तो पर ये है कि अब अलहमदिल्ला मेरी रसमलाई ना बहुत परफेक्ट बनती है सॉफ्ट भी बहुत होती है और टूटती भी नहीं है ना तो वही बात कि बंदा आस्ता आस्ता ही परफेक्ट होता है और ये आप देख लें कि आधा अंडा डाला था और उसी से ही ये देखिए सारा कितने अच्छे से मिक्स हो गया अब इसको थोड़ा सा गूँगी बस और गूंदना क्या बस फिंगर्स की मदद से ना हल्का हल्का इसको प्रेस करूँगी और इसके बाद जो है वो छोटे छोटे इसके बॉल्स बना कर ना इसको दूध में डाल दूँगी ना और फिर उसके बाद भी ना आपने इसको तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट तक स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है और ये देख लीजिए अब रेडी है आप चाहे तो आप चम्मच की मदद से इक्वल साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स लेकर बना के डाल लें या चाहे तो हाथों की मदद से तो मैंने जो है इस तरह से ये देखे इतने साइज के बॉल्स ले कर ना मैंने दूध में डाल दिए थे हाँ ये देखिए जी यहाँ पे तो तरीबन सारी बॉल्स बनाकर जो है ना वो मैंने इसमें डालनी थी और अब जो है वो मीडियम टू तो लो फ्लेम पे ना मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि दूध जो है उसका जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी और कम हो जाए तो ये देख लीजिए ये देखिए कितने छोटे छोटे साइज़ की मैंने रस मलाई डाली थी और ये देख लें ये कितने बड़े साइज़ की ये होगी है तो चलिए अब इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं ये देखिए जी यहाँ तो तक मैं बीस मिनट गुजर चुके हैं और ये देख लें आप दूध भी कितना सा रह गया है और रस मलाई भी बिल्कुल रेडी है कितनी सॉफ्ट है और बिल्कुल भी टूटी नहीं है और अब मैं ना इसको डिश आउट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यही था जी आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग जिसमें जो है मैंने आपके साथ जो है रेसिपी भी शेयर की है और जो है गिफ्ट्स वगैरह भी शेयर किए हैं तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें शेयर करें एक अच्छा सा प्यारा सा मुझे कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ये टोटली फ्री है और आज का व्लॉग तो ये था कल के व्लॉग में इन शाह आएगा जी रमज़ान प्री प्रिपरेशन का पार्ट टू पार्ट वन जो है वो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ पार्ट टू इन शाह आएगा कल तो बिल्कुल भी देखना नहीं भूलिएगा और ये देखिए जी रसमलाई आप देख लें कितनी परफेक्ट रसमलाई बनी है एक भी जो है वो बॉल इसकी टूटी नहीं है और अब जो है मैं इसको गार्निश कर रही हूँ पिस्ते बादाम से तो ये देखिए जी मुझे दाल रस मलाई भी यहाँ पे रेडी है तो आज का व्लॉग बस यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए खुदाफिज